हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की ये ब्लॉग। मेरे पास है ढेर सारे लिपस्टिक्स। हाँ, आज मैं आपको लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ। तो लिपस्टिक्स में फर्स्ट जो हम लेंगे ये है मेबलिन का न्यूड शेड लिप ग्लॉस। टेकिंग द डार्क ब्राउन शेड, ये लोकल मार्केट से खरीदी थी। तो ये शेड भी आप जो है खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो और लगा सकते हो। ये भी ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और ये रस्टी रेड डार्क ब्राउन शेड है, चॉकलेट ब्राउन जैसी ये रेड शेड है। रेड शेड तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये गाइस ऑरेंज शेड है, ये भी अच्छा लगता है, जचता है बहुत फेस पे, एकदम खिल के आता है फेस। गाइस ये सारे कलर्स जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं लिप्स के ऊपर, और लिप्स बहुत खिल के आता है उसके साथ। एंड गाइज ये सारे जो शेड्स होती हैं वो बहुत अच्छा लगता है स्किन टोन के ऊपर भी। और बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि वो लिपस्टिक ना लगाए, कुछ लोग बोलते हैं कि लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, लिप बम लगाना अच्छा लगता है, लिप ग्लॉस लगाना अच्छा लगता है, लिप मास्क लगाना अच्छा लगता है, डीपिगमेंटिंग मास्क अच्छा लगता है। तो लोगों के बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस है। तो उसके साथ साथ आज जैसे हम जैसे लोग हैं जिसको लिपस्टिक्स लगाना अच्छा लगता है, इकट्ठा करना अच्छा लगता है, ये लिपस्टिक्स मैं बहुत सालों से इकट्ठी कर रही थी और आज मैंने आपको दिखाया है। अगर मैं दिखाने चाहूँ तो बहुत सारा बॉक्स, अभी तक बॉक्स खाली नहीं हुआ है, ब्लॉग्स 2-3 घंटे लंबे हो जाएंगे, लिपस्टिक्स ख़त्म नहीं होंगी। तो मैंने सोचा है कि ये पार्ट पार्ट में ही दिखाऊंगी मैं लिपस्टिक। तो आज के लिए मैंने सारे वाइब्रेंस कलर ही दिखाए हैं जो बहुत ही अच्छा लगे स्किन के ऊपर। और जो गो थ्रू है न्यूड पिंक्स ऑरेंजेस रेड्स, मैंने पहले भी ब्लॉग की थी उस शेड्स में मैंने पिंक दिखाई थी। आज के जो इस ब्लॉग में, आज के लिपस्टिक्स ब्लॉग में मैंने ज़्यादातर रेडिश एंड रेड एंड ऑरेंज और थोड़ी बहुत न्यूड्स रखी एंड ग्लॉस रखी, ताकि ये सारी जो चॉइसेस है आजकल, ये सारे जो लिपस्टिक्स है ये खूब ट्रेंड्स में चल रहा है एंड इट्स वेरी फैशनेबल एंड ऑथेंटिक्स ऑल्सो। सो इन केसेस ऑफ यू आर वेयरिंग इन टू द ऑफिस और यू आर गोइंग फॉर एनी ओकेशन, मैरिज ओकेशन, फेस्टिवल्स, क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टी, तो इट इज़ अ वाइब्रेंट कलर, सो इट्स लुकिंग रियली रियली गुड। सो गाइज उसी के साथ आई होप कि आपको ये ब्लॉग, छोटी सी मिनी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप मेरी तरह हो जिसको लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद आता है, तो फिर डू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने सारे इकट्ठे किए। आई होप मुझसे ज़्यादा कलेक्शन से रखे होंगे लड़कियों ने, पर मेरे पास भी है, पर मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा कलेक्टिव होंगे। तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो जिन लोगों ने लिपस्टिक्स के लिए तो पूरा एक रूम ही ले के रखा है, जो सिर्फ लिपस्टिक ही रखते हैं उसमें। तो मैंने तो फिर भी एक बॉक्स में रखा है, तो लोगों ने तो रूम ही सजाया हुआ है लिपस्टिक्स में। तो उसी के साथ मिलता है आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू। उसके लिए ले लिया है पम्पकिन मिस्टी कुमार, एंड उसके बाद
उसमें सॉल्ट और चीनी डालेंगे और ऑयल दे दिया है जीरे के साथ।